हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये आप मेरे सामने देख सकते हो, ये है बजाज फ्रीडम 125 और आज मैं इसका टेस्ट राइड लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले थैंक टू मगध बजाज भाई जिन्होंने मुझे ये बाइक प्रोवाइड की है टेस्ट राइड के लिए। तो एड्रेस क्या है इस शोरूम का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई। तो एक बार बाइक को लेकर निकलते हैं और भाई देखते हैं कैसा सा हमें ये फर्स्ट एक्सपीरियंस देती है। तो भाई ये हम निकल चुके हैं और अभी मैं बता दूँ, अभी मैं चला रहा हूँ भाई पेट्रोल पे, अभी CNG पे स्विच नहीं किया हूँ। तो पहले थोड़ा सा अपन इसका पेट्रोल पे इनिशियल देख लेते हैं कैसे से हमें ये परफॉर्म करके दे रही है। अगर मैं बात कर लूँ भाई इनिशियल की तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनिशियल दे रहा है ये। और अगर मैं बात कर लूँ सीट हाइट की ना, तो जिनकी मतलब हाइट थोड़ी कम है ना, उनको भाई थोड़ा सा ये दिक्कत होने वाला है। बाकी अगर मैं बात कर लूँ ब्रेकिंग की तो भाई ब्रेकिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है, इसमें आपको ABS देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप रियर ब्रेक अप्लाई करते हो तो साथ ही साथ आपका यहाँ पर 20-30% ब्रेक आपका फ्रंट का भी अप्लाई हो जाता है। और अब टाइम है पेट्रोल से हमें CNG में स्विच करने की, बिकॉज पेट्रोल वाली बाइक तो हम बहुत चलाते रहते हैं। तो अभी चलाना कौन सी बाइक है, तो अभी हमें चलाना है CNG। तो अभी फटाफट से हम इसको CNG पे स्विच करते हैं। तो ये मैंने कर दिया CNG पे स्विच। और अगर आप चलते चलते में थोड़ी सी अगर आप स्विच करते हो ना, तो थोड़ा सा क्या होने वाला है कि आपको झटका हल्का सा फील होने वाला है। तो अब मैं चला रहा हूँ CNG पे। और अगर मैं बात करूँ ना पावर पे, तो मुझे ऐसा कोई भी फील नहीं हुआ कि मतलब पावर में थोड़ी सी अंतर हो। हालांकि अगर मैं बता दूँ नॉर्मल जो पेट्रोल बाइक आती है ना, उससे आपको थोड़ा सा इसमें इनिशियल कम देखने को मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि आपको पावर में बहुत ज़्यादा आपको फील होने वाला है भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको ना CNG और ना पेट्रोल दोनों में से कोई में भी आपको फ़र्क देखने को यहाँ पर नहीं मिलता। और अगर मैं बात कर लूँ हैंडलिंग की भाई, तो वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। बिकॉज इसमें आपको 120 सेक्शन का भाई आपको रियर टायर मिलता है, तो ग्रिप के मामले में भाई ये बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे ग्रिप मिलने वाला है। और अभी मैं CNG पे एक बार मैं देखता हूँ भाई ये कितनी स्पीड जाती है। तो ये देख लो भाई CNG में भी ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड मतलब खासी मतलब पकड़ ले रही है। मतलब उतनी तो मैं नहीं बोलूँगा जितनी पेट्रोल वाली बाइक आपको मतलब कि इनिशियल पोटेंशियल निकाल कर दे देगी। बट देखो इसमें क्या है कि भाई माइलेज आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो थोड़ी सी अगर आप देखोगे तो पावर में थोड़ा सा आपको यहाँ पे ड्रॉप मिलने वाला है, बट भाई इनिशियल बहुत अच्छा है। इनिशियल में कोई भाई ऐसा नहीं है, ये आप देख सकते हो भाई। और ये रोड पर ना एक अलग ही मतलब ये स्वैग में चलती है भाई, मतलब अलग ही साउंड निकल कर आ रहा है भाई रोड पर आपको इसका। अगर आप एग्जॉस्ट साउंड अगर आप सुनते हो ना, तो भाई क्या गजब का आपको यहाँ पे ना एग्जॉस्ट साउंड निकल कर आने वाला है। और अभी भाई मैं जैसे कि ट्रैफिक में चल रहा हूँ, तो ट्रैफिक में ऐसा नहीं हो रहा है कि मुझे इनिशियल कम मिल रहा है। तो भाई इनिशियल अभी हम लोग जबकि दो लोग हैं, अगर मैं इसको बता दूँ भाई, अगर मैं इसको चलाता हूँ सिंगली, तो भाई जाहिर सी बात है ज़्यादा पावर ये देगी। और अभी हम लोग हैं भाई दो लोग, या आप देख सकते हो भाई पिलियन हमारे साथ है, आप मिरर में ये चीज़ देख सकते हो। तो अभी हम लोग पिलियन के साथ है, तो थोड़ी बहुत तो पावर ड्रॉप होगी ही होगी। और अभी मैं डायरेक्ट भाई चलते चलते स्विच करने वाला हूँ पेट्रोल पे। तो ये मैंने स्विच कर दिया भाई पेट्रोल पे, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे लैग देखने को मिलेगा जब आप स्विच करोगे ना, तो थोड़ा सा आपको लिटिल बिल आपको यहाँ पे लैग देखने को मिलेगा। उसके बाद ये देगी, जैसे देखो मैं आपको अभी लाइव करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने ये अभी स्विच किया भाई CNG पे, तो थोड़ी सी बाइक हुचकी उसके बाद फिर पकड़ लेती है। और अभी देखो अभी मैं आपको यहाँ पे मैं दिया हुआ हूँ थ्रोटल, और अभी मैं आपको स्विच करने वाला हूँ पेट्रोल पे। तो वैसा नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुई भाई, तो वो कभी कभी हो सकता है भाई माइनर सा, ऐसा पता ना चल रहा हो अभी, ठीक है। वो कुछ खास मतलब है हल्का सा भाई, वो माइनर सा कहेंगे उसको, ना ही कहेंगे भाई कि वो ऐसा कोई नहीं है। मतलब अगर आप चलते चलते भी स्विच करते हो, तो कोई फ़र्क ही नहीं पता चलता कि मैं कब CNG में गया और मैं कब पेट्रोल पर आया। तो ये चीज़ इस बाइक में देख कर भाई बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और ये कुछ था भाई छोटा सा राइड रिव्यू, अगर मैं बोलूँ तो राइड कर कर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो भाई ये रहा इसका राइड रिव्यू। तो आई होप आपको ये राइड रिव्यू देखकर बढ़िया लगा हो, बिकॉज अभी बाइक भाई नहीं है तो ज़्यादा अपन इसको राइड नहीं कर सकते। बाकी जितना मैं चला, अगर मैं भाई सच्ची सच्ची बताऊं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ पावर में। ऐसा कोई मुझे ड्रॉप ऐसा फील नहीं हुआ कि पावर बहुत कम दे रही हो। और दोनों ही अगर आप पेट्रोल पर चलाते हो या आप भाई CNG पर चलाते हो, दोनों में आपको सेम पावर मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि भाई दोनों में से मतलब एक पे बहुत ज़्यादा पावर मिलने वाला है, CNG पे कम, ऐसा मुझे नहीं फील हुआ भाई। दोनों में आपको सेम पावर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो बस इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।